पट्टी विखे उस समय हंगामा मच गया जो गुरुद्वारा बाबा चरण दास जी विखे गुरुद्वारा बाबा झाट साहिब वाले बाबा तारा सिंह जी वालों निहंग सिंघां नाल वड्डे पद्धर ते इकत्तर हो के रात समय गुरुद्वारा साहिब ते कब्जा कर लिया गया है। दस दईए कि इस कब्जे दौरान निहंग सिंघां वालों गुरुद्वारा साहिब अंदर रहिंदे कुछ परिवारां नूं भी बंधक बना लिया गया अते रात समय कब्जाधारियां वालों गोलियां भी चलाईयां गईयां जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। गुरुद्वारा बाबा चरण दास जी विखे इस तो पहला बाबा लखा सिंह इस गुरुद्वारे की सेवा निभा रहे सन अते उन्हां दी कुछ महीने पहला ही मौत हो गई सी जिस तो बाद इत्थे बाबा धर्म सिंह जी नूं इस दी सेवा सौंपी गई सी अते इसे गल नूं लै के बाबा झाड़ साहिब वाले बाबा तारा सिंह इस गुरुद्वारे की सेवा निभाउणी चाहुंदे सन पर इत्थों दे नाल लगदे चार तो पंज पिंडां नूं इह मंजूर नहीं सी जिस नूं लै के कई दिनां तो इस गुरुद्वारे ते कब्जे नूं लै के विवाद चलदा आ रिहा सी अते इसे गल नूं लै के रात समय बाबा झाड़ साहिब वाले तारा सिंह अते होर निहंग सिंघां ने इकत्तर हो के गुरुद्वारा साहिब ते कब्जा कर लिया। दस दिए कि गुरुद्वारा साहिब विच गोलियां चलण नाल जिथे इलाके च दहशत का माहौल पाया जा रहा उथे पट्टी मोड़ पुलिस छावनी विच तब्दील हो चुका है। उधर कांग्रेस पार्टी के चौं पिंडां दे सरपंचां ने कहा कि जे सरकार वालों उन्हां दी कोई सुनवाई ना की गई तो वह कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह देणगे। गुरुद्वारा बाबा चरण दास जी हथियारबंद लोगों लाके कब्जा करने की कोशिश करते रहे अपने को फुटेज वीडियो फोटो हर एक चीज हैगी अपने को रात भी 2:45 आए है भी वीडियो हैगी अपने को हथियारबंद लै आए हैं 150-200 लोग होने हर एक की फोटो वीडियो सब कुछ हैगा आके उन्होंने सीधे फायर करना शुरू कर दिया। हुण जिहड़ी अंदर दे हालात ने गुरुद्वारे अंदर हुण की हालात ने अंदर दे हालात ये जी जो आए अखंड पाठ साहब का पाठ चलता पाया उन्हें ग्रंथी सिंह ठा के अखंड पाठ साहब की बेदबी की है पता नहीं उन्हें अपने पाए या नहीं पाए ये नहीं पता। अच्छा अखंड पाठ साहब चलता पाया जिहड़े कैमरे सीगे डीवीआर जो भी सीगा सब कुछ तोड़ता उन्होंने प्रूफ ना रहे उस गोलकां चक के वह नाल लै गया वो अपने को फुटेज हैगी है वीडियो फुटेज हैगी है। हाँ जी हैगी तो जेडे इलाके की संगत है जो इलाके पंचायत ने उन्होंने की नज़रिया इस घटनाक्रम से इलाके की संगत कहती है कि पूरे इलाके ने फिर दस्तारबंदी की बाबा धर्म सिंह बाबा धर्म सिंह जी वो कहते हैं कि जो पंचायत ने करता उ रहे की करता पंचायत किंदे हक ने झाड़ साहिब वालों दे कि जां लोकल जिहड़ा बाबा बैठा लोकल बाबा धर्म सिंह दे हक विच है। अच्छा हुण बाबा धर्म सिंह किथे आ ए नहीं पता उन्हां नूं किथे लै गए रात दे कौन लै गए ने बाबा तारा सिंह दे जिन्ने भी साथी आए थे सारे अगवा करके लै गए ने कि चुक के लै गए ने जां आप गए ने नहीं अगवा करके लै गए चुक के लै गए ने। अच्छा जी इस संबंधी तुसीं कोई पुलिस नूं दरखास्त दित्ती बाबा जी साडे गए इक मेरी होर गल सुनो कल्ले उन्होंने लै गए ने कि इस तो अलावा कोई लेडीज जां कोई औरतां बच्चे भी जिहड़े अंदर सी ओ सुरक्षित ने जां कित्थे ने ओ बाबा जी आ उन्हां दी वाइफ है उन्हां दी दो नूहां आ। अच्छा जी एक बेटा है उन्हां दा किन्ना दा बाबा धर्म सिंह दा। अच्छा जी उन्हां दे वड्डे भरा नूं सट्टां लाईआं ओ कित्थे ने ते उन्हां नूं खैर हॉस्पिटल दवाई दवा के पट्टी करा के फिर पता नहीं कित्थे लै गए ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਅੰਨੇ ਵਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾਊ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੱਡਿਆ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਜੀ ਆ ਧਰਮਸੋ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਚੋਰੀ ਖੈਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਟੋਏ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
सारिया संगत ने इतने गुरु घर बनाया रात अन्ने वाह गोलियां चला के प्रशासन की मदद इतने कब्जा करवाया गया है। पर अहीं एक सरपंच भी बाद च बने जो कुछ बाद च पर गुरु घर सानू पहला है। यह पार्टी बाजी साड़ी कोई नहीं। अज तो साड़ा गुरु घर कांग्रेस पार्टी छोड़ साडा दिल नहीं करता पर मजबूरी एहोजी बन गई है संगत के कारण साड़ी मजबूरी एहोजी बन गई अहीं बिलकुल छड़ रहे आना बाबे चरणदास जी का वो बड़े चिर तो ही सेवा करके गुरद्वारा साहब बनाया है। तो रात ढाई बजे चाण के झाड़ साहब तो आ के धाड़वियां ने गुरद्वारा साहब से कब्जा कर लिया जबरदस्ती जड़ी कि इतने अन्ने वाह रात फायरिंग की गई है जिदे एक साढ़े लखा का भरा सरवण सिंह जी ने बहुत सट्टा लगिया ने बाकी धर्म सिंह जरा इतों का मुख्य सेवादार बनाया सी अजे तक पता नहीं लगता उन्होंने चुक के लै गए ने फैसला ले लिया कि सानू पहला गुरुद्वारा है पार्टी बाद च बिलकुल जी सलाह करके जी दसे पंचायत वा सा कोई संबंध नहीं क्योंकि सवेर तो सवेर की किसी बने कोई मदद नहीं हुई साड़ी किसी ने सार नहीं ली। उधर जद इस संबंधी सब डिवीजन पट्टी के DSP कुलजिंदर सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की सेवा नूं लैके दोवां पार्टियां विच तनाव चलदा आ रहा सी अते इसे गल नूं रह के बीती रात भी कोई तनाव होया है जिस ते पुलिस जांच कर रही है। पट्टी तो कैमरामैन लखविंदर सिंह गोलन और रिंपल गोलन की रिपोर्ट। संतान प्राप्ति कारोबार विच घाटा विदेश यात्रा विच देरी पति पत्नी विच कलेश पढ़ाई विच मन ना लगना प्रेम व्यास सिरे ना चढ़ना कोर्ट कचहरियां दे चक्करां दी परेशानी तो मुक्ति लई पहुंचो मियां बशीर खान जी कोल। एक बार फोन जरूर करो तुहाडा एक फोन बदल सकदा तुहाडी जिंदगी। प्यार विच धोखा खान वाले प्रेमी प्रेमिका भी एक बार जरूर संपर्क करन। हुण सुपने देखना छड्डो ए सब मुसीबतां जां ख्वाहिशां नूं पूरा करन लई चुको कदम। फोन नंबर 9876800768।